उज्जैन जिले के घटिया तहसील में आने वाले ग्राम पंचायत बासखेड़ी का सरपंच नरेंद्र कुमावत गांव के अंदर बड़े पैमाने पर मिलावटी और जहरीली शराब बनाने का कारोबार पिछले कई वर्षों से करते हुए ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्य जगह सप्लाई करता था। सबसे बड़ी बात तो यह रही कि शासकीय ग्राम पंचायत के भवन का उपयोग किया जा रहा था और शासकीय जमीन पर ही गोदाम बनाकर जहरीली शराब बनाई जा रही थी और सप्लाई की जा रही थी और शासकीय कुएं का उपयोग भी किया जा रहा था और जहरीली शराब बनाने का गोरख धंधा पिछले कई वर्षों से चला आ रहा था। इस जहरीली शराब बनाने के व्यापार व्यवसायी का पता घटिया जनपद पंचायत के सीईओ और ग्राम पंचायत के सचिव को भी पता थी कि जहरीली शराब बन रही है और बिक रही है और सब कुछ जानकर अनजान रहे। जनपद सीईओ पर भी कार्यवाही होनी चाहिए। फिलहाल अधिकारियों की टीम पहुंची और सरपंच नरेंद्र कुमावत के मकानों को धराशायी किया गया और कार्यवाही की गई। अब उज्जैन पुलिस सरपंच नरेंद्र कुमावत को गिरफ्तार करने के प्रयास कर रही है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।